हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो ना एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, एक रिव्यू या फिर कोई एक टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है। आज होने वाली है भाई अपनी वीडियो Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। भाई अपने चैनल की फर्स्ट Q&A वीडियो है, और वैसे मैं काफी टाइम से सोच रहा था भाई कि मैं Q&A करूं, बट मैंने एक टारगेट बना रखा था कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर एक फर्स्ट वीडियो ड्रॉप करेंगे चैनल पे। तो भाई जैसे फाइनली हो चुके हैं तो अब बनाते हैं और कोशिश करूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर करने की। तो थोड़ा अगर मतलब जल्दी जल्दी भी हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। मैं ट्राई करूंगा भाई कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पिक करे हैं, जितने की भाई मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे हुए हैं, उन सभी के मैं आपको आंसर कर पाऊं इस वीडियो में। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दें, और उसके साइड में एक नोटिफिकेशन बेल भी होगी उसे ऑल पे कर लें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिल जाए सबसे पहले। और वीडियो करना लाइक अगर अच्छी लगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ भाई, कमेंट करके बताना मैं इसी वीडियो में से जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा ना Q&A का, जब भी बनाऊंगा तो इस वीडियो में जो कमेंट होंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो भाई ये कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे ले लूंगा। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपने जुगाड़ू आशीष भाई का। ये भाई जेन्युइन फॉलोअर है अपने चैनल के। ऐसे दो तीन भाई हैं भाई जिन्हें मैं नोटिस करता हूँ भाई जेन्युइन, मतलब रेगुलर कमेंट करते रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी कर रखा है, ब्रो आई हैव अ जेन्युइन क्रेटा हॉर्न, हाउ वी कैन यूज इन ब्रेजा एलेक्सा। किस चीज की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने भाई क्रेटा के जेन्युइन वाले हॉर्न ले रखे हैं, जो कि भाई पोंपों वाले आते हैं ना ओरिजिनल हुंडई वाले, वो वाले ले रखे हैं। तो इन्होंने फिर वो ना ब्रेजा एलेक्सा में इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब इनका क्या इशू आ रहा है ना, उसमें ये इशू आ रहा है कि भाई जैसे गाड़ी ऑन रहती है तो ठीक आवाज आती है, फिर जब ऑफ हो जाती है ना, मतलब इग्निशन ऑफ होता है और फिर ये हॉर्न को प्रेस करते हैं मतलब बजाते हैं, तो भाई वो 20% 30% उसकी जो लाउडनेस है वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो भाई इस चीज में जो मेरे को इशू लग रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वो मोस्ट प्रोबेबली वो वायरिंग के ऊपर ही हो रहा होगा। क्योंकि यार देखो, अगर हॉर्न खराब होता ना हॉर्न, तो ऐसा होता कि वो उसकी लाउडनेस पहले ही कम होती, बट ऐसा नहीं है। आप बता रहे हो कि भाई इग्निशन ऑफ होने के बाद ही उसकी लाउडनेस कम हो रही है, तो ये भाई रिले वगैरह आप लगा के देखो, कुछ वायरिंग में मतलब लोड वोड पड़ रहा होगा, उस वजह से हो रहा होगा। तो ट्राई करो एक बार भाई, बाकी अपने मैकेनिक वगैरह से करवाना, अगर आपने खुद इंस्टॉल कराना तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें भाई मैकेनिक को ज्यादा अच्छे से पता होता है कनेक्शन। सेकंड कमेंट है भाई अपने 1183 रोहन भाई का, जो इन्होंने बोला है भाई हेडलाइट में LED लगवाओ, फिर विजिबिलिटी और तेज हो जाएगी। तो यार LED लगवाने का प्लान मेरा काफी टाइम से है, अभी से नहीं है, मतलब मेरा लगभग 4-5 महीने से प्लान बन रहा है, बट फिर बीच में इसकी वो हेडलाइट में मॉइस्चर वाला इशू आ गया था। अगर आपको वो नहीं पता, यहाँ पे या फिर यहाँ पे भाई उसका लिंक भी मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पार्ट बाय पार्ट, तो वो देखो भाई जाके क्या इशू आया था। तो उसके बाद यार फिर ना मेरे को, मैंने सोचा कि यार पहले चेक कर लेता हूँ कभी इन वाली हेडलाइट्स में भी ऐसा ही कुछ इशू ना हो रहा हो। तो फिर वो करते 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 हो गया, बट हाँ यार लगवाएंगे, जल्दी लगवाएंगे भाई LED। मेरा बहुत मन है LED लगवाने का, क्योंकि मेरे को विजिबिलिटी भाई एक नंबर वाली चाहिए होती है। आपको पता होगा अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैंने फॉग लैंप में भी नॉर्मल वाले नहीं लगवाए, जो कंपनी से LED वाले आते हैं ब्रीजा के टॉप मॉडल में, मैंने लगवाए भाई IPH के प्रोजेक्टर। तो इस चीज से आप लोग सोच सकते हो। वैसे इसकी विजिबिलिटी में ना कोई इशू ऐसा है नहीं कि भाई विजिबिलिटी इसकी डाउन है तो ऐसा कुछ, बट लुक्स मेरे को भाई, लुक्स और विजिबिलिटी दोनों चीज मैटर करती है। विजिबिलिटी और ज्यादा हाई, मतलब जितनी हाई हो सकती है ना उतनी करेंगे। तो इसकी वीडियो जब भी करवाएंगे भाई मिलेगी आपको जल्दी, लग रहा है भाई प्रोसेस में। तो ये थर्ड कमेंट है भाई अपने रक्षित ब्लॉग्स भाई का। ये पूछ रहे भाई, मैंने भी ब्रीजा एलेक्सा सिल्वर प्रीमियम कलर लिया हुआ है, मैंने कंपनी से थोड़ा ही काम करवाया है मेन, बट मैंने बाकी वाली एक्सेसरीज नहीं लगवाई, अभी करवानी है मॉडिफिकेशन, बट आप जे बताओ मैं स्टीयरिंग कंट्रोल करवाऊं या ना करवाऊं, बाकी तो करवानी है बट इसके बताओ आप। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन ये है कि भाई इन्होंने थोड़ी बहुत एक्सेसरीज तो कंपनी से लगवा ली है जब डिलीवरी ली थी, जैसे मैंने लगवाई थी, बट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का भाई का मन हो रहा है कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगवाने चाहिए फिर नहीं लगवाने चाहिए। तो यार देखो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना भाई सारी मार्केटें देख रखी हैं और सारी शॉप्स वगैरह का मेरे को पता है उनका क्या तरीका रहता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगाने का। भाई एक ही तरीका है, स्टीयरिंग आपका उतरेगा, ठीक है ना, बिना उतरे इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, ये उतर के ही लगता है, ठीक है ना। तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक तो भाई एयरबैग सबसे ज्यादा मोस्ट कंसर्निंग चीज जो है वो एयरबैग है सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि भाई अगर आपके एयरबैग ना डिप्लॉय हुए वो तो जब भी पता चलेगा ना, जब एक्सीडेंट होगा वो तो भाई अंदर का हब चेंज होता है, काफी पार्ट होते हैं भाई वो चेंज हो जाएंगे। अब भाई वो जेन्युइन भी होते हैं बट वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं पता है, ठीक है ना। तो एक वो सेफ्टी से रिलेटेड
सेकंड भाई जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को लगता है ना, सबसे बड़ा डर वो ये है भाई, जो इसका स्टीयरिंग रैक और जिसकी स्टीयरिंग अलाइनमेंट है ना वो भाई हिल जाती है, वो इम्प्रॉपर हो जाती है। सही सही बता रहा हूँ मैं, मतलब जैसे स्टीयरिंग उतारते हैं भाई, जो कंपनी फिटेड होता है वो तो बिल्कुल सीधा होता है, बट क्या गारंटी है कि भाई उतारने के बाद जब आप वापसी लगाओगे तो वही फिटमेंट आएगी जो कंपनी फिटेड थी, समझ रहे हो ना। और ये इशू मैंने भाई देख रखा है काफी सारी कार्स में, तभी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। ये एक दो कार्स में देखा, जैसे अपने पवार ब्रदर्स की गाड़ी है ना भाई, तो जब वो मैंने चलाई थी तो उसके स्टीयरिंग का ना भाई अलाइनमेंट तो आप छोड़ दो, वो स्टीयरिंग का मतलब पोजीशन ही अलग हो रखी थी वो, क्योंकि उस पे आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगे हुए थे। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने भाई अपना डिफेंस बॉस की तरफ से ये पूछ रहे हैं भाई, 2.5 लाख तक 2016 बेस मॉडल ब्रेजा मिल जाएगी क्या? भाई 2.5 लाख तक तो नहीं मिलेगी, ठीक है। बेस मॉडल 2016 का भी रेट अभी लगभग यार 4 के आसपास चल रहा होगा, 4-5 लाख, ठीक है ना, क्योंकि ब्रीजा की भाई मारुति की यार जितनी भी गाड़ी होती है ना, इनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो थोड़ी सी हायर साइड पे ही होती है, तो भाई, और ये थोड़ी सी एसयूवी सेगमेंट भी है। स्विफ्ट आपको मिल सकती है 2.5-3 तक, 3.5 तक, स्विफ्ट भी नहीं मिलेगी वैसे 2.5 तक, तो आप तो भाई ब्रीजा तो क्या ही मिलेगी। डीजल वाली आती थी वैसे भी, मैं बता देता हूँ, तो 2.5 तक तो नहीं मिलेगी भाई, थोड़ा सा बजट आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ये पूछा दीपांशी जी ने, ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो? तो मैं हूँ दिल्ली से, जिन भाइयों का नहीं पता, मैंने भाई पहले बता रखी है ये बातें, पर ठीक है, क्यूएनए में कवर हो गया। क्वेश्चन है अपना अभिषेक 310 का, ये पूछ रहे हैं भाई कौन सा वैक्स बेस्ट है। वैसे यार देखो, मैं ना कमेंट में सारे रिप्लाई देता रहता हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा 1 रिप्लाई, तो वो मेरा ही रिप्लाई है भाई, मैं मतलब सारे के सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी किसी चीज का क्वेश्चन है, डाउट है, तो उसका रिप्लाई चाहिए, तो मैं भाई डीएम आते हैं इंस्टा पे वो भी देखता हूँ। जैसे इन भाई का डीएम भी आया था, ये मेरे को नाम से पता चल गया, यही पूछ रहे थे शायद कि वैक्स कौन सी बेस्ट है। तो भाई वैक्स मैं बता देता हूँ, मैं यूज करता हूँ भाई पर्सनली, जो वैक्स आउटर बॉडी पे करता हूँ वो करता हूँ 3M की, ठीक है ना। 3M की वैक्स भाई एक नंबर है। देखो प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है, किसी की पॉलिश अच्छी है भाई, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो वैक्स भाई मैंने दुनिया भर की यूज कर रखी है, वैक्स पूल की भी कर रखी है, और एक दो और कंपनी आती है उनकी भी कर रखी है, मतलब 3-4 ब्रांड मैं यूज कर चुका हूँ, बट मैं ना 3M ही प्रीफर करूंगा आपको भाई। क्वालिटी जो 3M की होती है ना, वो भाई अनबीटेबल होती है, किसी भी ब्रांड की ले लो आप, अनबीटेबल होती है भाई 3M की। कुछ एक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं भाई जो अनबीटेबल नहीं हो, बट वैक्स के मामले में तो भाई 3M इज ऑन द टॉप। नेक्स्ट कमेंट है भाई अपना बादशाह कार स्टेटस का, ये पूछ रहे हैं, अरे भाई टैंक फुल किया है तो टैंक टू टैंक माइलेज चेक करो और वीडियो डालो। भाई बादशाह कार स्टेटस ब्रो, हमने ऑलरेडी एक टैंक टू टैंक माइलेज चेक करी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन में कहीं पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। और ये उस वाली वीडियो की बात कर रहे हैं भाई, जिस दिन पेट्रोल खत्म हो गया था ना गाड़ी का रात को 10:30 बजे, वो वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो भाई वो भी मिल जाएगा लिंक, सारी वीडियोज के आपके मिल जाएंगे। तो उस वीडियो पे इन्होंने कमेंट करा था कि भाई कर ही लिया तो कर लो, इन्होंने शायद पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी, ठीक है कोई बात नहीं। भाई अपना रिंकू पांडे जी का, ये बोल रहे हैं भाई 10.50 में मिल रही अर्बन क्रूजर हाई मॉडल, मतलब जो सेकंड टॉप आता है इसका हो गया ZXI मारुति का, ये हाई वाला जो अर्बन क्रूजर में दे रही थी टोयोटा, लेनी चाहिए या नहीं? और ये इनका ना ब्रीजा के लॉन्च के बाद वाला क्वेश्चन है, जब नई ब्रीजा आ गई थी तो इन्हें कोई डीलरशिप पे मिल रही होगी भाई 10:30 में, वैसे 10:30 का उसका रेट था नहीं, उसका थोड़ा सा ज्यादा का था, मेरे ख्याल से 11 कुछ का था, तो इसीलिए इन्हें डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो शायद ये पूछ रहे हैं। भाई देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ यार, आप अब तो ले लोगे लेकिन ये जो 50,000 का और ये 1-1.5 लाख का ये लालच है ना, ये भाई आपको साल बाद या 6 महीने बाद जब आप और नई जनरेशन वाली ब्रीजा देखोगे जब पता चलेगा। यार देखो एक तो सबसे पहली बात है यार, क्यों लेनी है पुराने वाली जब नई वाली आ गई है ना, क्यों लेनी है नई वाली की? भाई ऐसा भी नहीं कि भाई खराब आई है, बढ़िया आई है, ठीक है अपना यार ले लो नई वाली। ये चीज भाई मैं जब आपको प्रीफर करता जब नई वाली लॉन्च नहीं हुई थी, उससे चाहे आप पहले भाई 2 दिन पहले ले लेते, पर अब नई वाली आ गई तो नई वाली ही लो यार, पुराने वाली मत लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना संदीप गुप्ता भाई का, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन न्यू ब्रीजा? देखो यार न्यू ब्रीजा मेरे को लगी ओवर प्राइस, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ओल्ड वर्सेस न्यू के ऊपर, मेरे क्या ओपिनियन क्या थॉट है, फुली डिटेल्ड वीडियो में भाई मैंने बात कर रखी है, उस वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, आई बटन में नीचे मिल जाएगा, तो आप ज्यादा उसके लिए भाई जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से सारी बात का पता चल जाएगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, ये गाड़ी कैसी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हर्ष भारद्वाज भाई का, भाई कितने परसेंट है ये भाई वो पूछ रहे हैं, जो मैंने टिंट करवाया था ना गाड़ी में ब्लैक फिल्म टाइप जो चढ़वाई थी, उसका पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ 50% है। और अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल से देखोगे ना तो ये Z ब्लैक टाइप की ही लगती है, बट ये एग्जैक्टली Z ब्लैक नहीं है, ठीक है ना,
तो धूप से काफी बचा देती है। अगर आपको इसकी भी एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो चाहिए तो उसका भी भाई वो मैंने डाल रखा है, लिंक वगैरह आई बटन में सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना राज, राज का ये पूछ रहे हैं भाई, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट एंड्रॉइड प्लेयर फॉर ब्रेजा, लव फ्रॉम असम। थैंक यू भाई लव के लिए, सपोर्ट करो, वीडियोस को देखते रहो भाई, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो हाँ भाई बेस्ट एंड्रॉइड प्लेयर, यार देखो मैं तो वही मानता हूँ भाई, बेस्ट एंड्रॉइड प्लेयर जो कि कंपनी से आ रहा है, ठीक है, अब चाहे वो भाई बटन वाला हो जो नॉर्मल आ रहा है मेरे वाली में Alexa में, चाहे वो टॉप मॉडल में भाई टच स्क्रीन हो, क्योंकि यार जो इनकी क्वालिटी होती है ना वो भाई बाहर वाले नहीं कर सकते। अब बाहर से यार एंड्रॉइड प्लेयर आएगा वो भाई लैग होता है, सही बताऊं मैंने यूज कर रखे हैं भाई, मैंने अगर लगवाना होता ना ये चीज भाई मैं पहली करवा देता एक डेढ़ साल पहले जब गाड़ी ली थी मैंने, ठीक है, तो ये मैं इन मॉडिफिकेशन में चूकता नहीं भाई, अगर मेरे को बढ़िया लगता ना मैं जब भी करा लेता, पर मेरे को पता है भाई ये मैं एक्सपीरियंस मेरे बहुत खराब रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लैग होते हैं भाई, ये ना फोन की तरह, ये 2GB रैम में क्या ही चला लोगे आप, वो हीट इतना हो जाता है, तो गाने आप गानों के लिए ले रहे हो फिर वो गाने भी ना एंजॉय कर पाओ। हाँ मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ, आप पाइनियर वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है, पाइनियर वगैरह के थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, और सोनी पे जा सकते हो, तो ये 2-3 ट्रस्टेड ब्रांड है जिसपे आप जा सकते हो। बट एक चीज और बताऊं मैं आपको, जितने के आपके पाइनियर के या फिर ये सोनी कहेंगे ना, इतने में आप भाई कंपनी का जो रेट्रो आता है ना स्टूडियो OEM वाला जो टॉप मॉडल में आता है वो 30 या 32 हजार कुछ का है, 7 इंच वाले की बात करो, 9 इंच वाले का भी मेरे को प्राइस नहीं पता है, जो 7 इंच वाला आता है ना उसकी बता रहा हूँ, और वो बहुत बढ़िया है भाई, उसमें सारी चीज बहुत अच्छे से चलती है, लैग भी नहीं होता, कंपनी का तो आपको गारंटी भी मिलेगी और वारंटी भी अवॉइड नहीं होगी अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो मैं तो अगर लगवाऊंगा ना कभी तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा, बट उस वो भाई ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा फिर मूड बनता नहीं है कि यार खाली गाने सुनने के लिए। नेक्स्ट है भाई अपना आदर्श 8750 का, ये भाई बोल रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई वेस्ट एक्सेसरी की वीडियो नहीं बनाता, ये कमेंट आया था भाई जो मैंने वीडियो बनाई थी ना पैसा वेस्ट एक्सेसरी, जिसमें मैंने अपनी गाड़ी का बताया था कि कौन कौन सी एक्सेसरीज ऐसी है जिनमें मेरा पैसा वेस्ट हो गया, साफ बात है, ठीक है, एक्सपीरियंस ही होता है भाई लगवाने के बाद ही पता चलता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम था तो मेरे को भी भाई लगवाने के बाद पता चला, और यूज के बाद पता चला भाई, कुछ टाइम बाद जब आप यूज कर ले तो आपको उसको पता चलता है। वो वाली वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ भाई वैसे ये चीज मेरे दिमाग में आई थी, मैंने यही सोच के करी थी यार, मैं ना मतलब खुद भी ये चीज एक बार मैंने सर्च करी थी यूट्यूब पे कि यार मैं देखता हूँ कि पैसा वेस्ट एक्सेसरीज कौन कौन सी है, ताकि भाई आगे के लिए मैं भी फिर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाऊं कि यार नहीं लगवानी भाई, मेरे को मिली नहीं कोई यूट्यूब पे, मैंने सोचा यार चलो किसी ने बना नहीं रखी तो भाई हम ही बना देते हैं, है ना, होनी चाहिए ना भाई यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियो जो नहीं है, तो देखो कितनी बढ़िया वीडियो बनाई मैंने, इसी बात पे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भाई जाट बिरादरी का भाई का अपने ये पूछ रहे हैं भाई, i20 लूं या न्यू वाली ब्रेजा जो अब आ रही है। भाई देखो अब तो आ चुकी है, बट मैं बोलूंगा कि यार i20 जो अब हैचबैक वगैरह ना यार उनकी प्राइस जो कॉम्पैक्ट SUV उनसे मैच करने लग गए हैं, ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। अब देखो दोनों रिलायबल है, दोनों ही क्या बोलते हैं नेटवर्क जो इनका सर्विस सेंटर का होता है वो भी बहुत अच्छा है, बट अब अगर आप सेफ्टी के उससे देख रहे हो ना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई सेफ्टी 9 मीटर ब्रीजा की डबल है, ठीक है, अगर इसके 1 या 2 स्टार मिलेंगे इसे मैक्सिमम 3 स्टार मिलेंगे, ब्रीजा को 4 मिले थे भाई लास्ट वाइल्ड जनरेशन को, इस बार हो सकता है कि 5 भी है स्कोर कर जाए, ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी मैं होता तो भाई ब्रीजा लेता, बेशक इसका बेस मॉडल लेना पड़ता बट मैं जाता एक अपर सेगमेंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है भाई विजयराज जगताप का, ये बोल रहे हैं भाई ABC पिलर्स ब्लैक टेपिंग करो कंपनी से, लुक एनहेंस हो जाएगी। अच्छा भाई ये मैंने ऑलरेडी करा लिया, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा पुराना है तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखे थे पहले से, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है भाई, मैंने भाई ब्लैक टेपिंग करा दिया, उसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वही सेम मिल जाएगा लिंक, तो जाके देख सकते हो। हाँ भाई लुक तो एनहेंस हुई है, ये मेरा काफी टाइम से मन था, बट मैं ना जो टेपिंग वाले जो मैकेनिक वगैरह होते हैं जो करते हैं ना, मैं वही भाई ढूंढ रहा था शॉप की कोई ऐसी ट्रस्टेड से मिल जाए जिसमें मेरे को बार बार चक्कर ना लगाने पड़े भाई, कभी उतर रही है कभी कुछ हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं ये मैं करा देता पहले। नेक्स्ट है भाई ध्रुव गंगार भाई का, ये बोल रहे हैं भाई स्टीरियो लगवाए, स्टीरियो नहीं लगवाना भाई मेरे को, मैं अगर लगवाऊंगा ना तो मैं टॉप मॉडल वाला ही लगवाऊंगा स्टीरियो, बाकी वैसे मेरा कुछ मूड नहीं है इसे चेंज वेंज कराने का, बहुत ही अच्छा चलता है भाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, CD प्लेयर है, USB लग जाती है, ऑक्स लग जाती है, और क्या चाहिए, आउटपुट भी बहुत अच्छा है इसका, मैंने तो भाई स्पीकर भी चेंज नहीं करवाए, जो ब्रीजा में आते हैं ना OEM कंपनी फिटेड वो उनका बेस बहुत अच्छा है, मोर देन इनफ यार। अब भाई जिसे ज्यादा बेस चाहिए ना जो बिल्कुल गाड़ी बच जाए तो भाई वो तो फिर बेस ट्यूब रखवा लो, उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मेरे को थोड़ा सा डिसेंट सा ही म्यूजिक ठीक है, ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई, मीडियम सा, क्योंकि मेरे इसमें काम बच्चा भाई पूछ रहे हैं डुअल टोन होके मस्त लगेगी, भाई डुअल टोन होके मस्त तो लगेगी,
पर मेरे को अच्छी नहीं लगती भाई डुअल टोन, ये है साफ बात, वरना मैं करवा लेता। पिलर ब्लैक मेरे को करवाने थे लुक्स के लिए, क्योंकि भाई टॉप मॉडल में भी आते हैं लुक्स एनहेंस होती है, मैं वो सारी चीज करवा सकता हूँ जो कि भाई लुक्स मेरे को अच्छी पर्सनली लगे। देखो डुअल टोन का ऐसा ना यार, छत वत भी काली होती है तो मेरे को इतनी कुछ ज्यादा फालतू छेड़छाड़ नहीं करनी है। OEM में ही सिंपल सोबर लुक बेस्ट निकल के आए, वो चीज मेरी प्रेफरेंस। बलजीत सिंह भाई ने पूछा ट्रक में भी लग जाएगा क्या ये GPS की बात कर रहे हैं भाई, जो मैंने रिव्यू वगैरह कर रखे हैं। हाँ भाई लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, GPS ट्रक में भी लग जाएगा, आपका ट्रैक्टर में भी लग जाएगा, कार में भी लग जाएगा, बाइक में भी लग जाएगा, स्कूटी में भी लग जाएगा, ठीक है, हर जगह लग जाएगा। आपको कहाँ लगवाना है उस हिसाब से, आपको कहाँ लगाना है उस हिसाब से आप भाई परचेज करना। अलग अलग आते हैं हर चीज के, ठीक है, ट्रक का अलग आता है, तो ऐसा मत करना गाड़ी का लेके ट्रक में लगा दो फिर बोलो भाई चला नहीं। नेक्स्ट है भाई राहुल शर्मा भाई का, ये बोल रहे हैं भाई सीट कवर्स कहाँ से लगवाए आपने सर, प्राइस कितना है भाई। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी में कि भाई सीट कवर कहाँ से लगवाए, और मैं भाई कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ कि मैंने सीट कवर भाई कहाँ से लगवाए। तो देखो यार मैंने रिव्यू भी जो एक दो दिया ना ओनरशिप रिव्यू दूसरे चैनल्स पे, वहां पे भाई सब लोगों ने 90% क्वेश्चन पूछे हैं, और जो मैंने भी अपनी गाड़ी की एक्सेसरीज वाली जो वीडियो वगैरह बनाई थी, मैंने क्या क्या इंस्टॉल करवाई उसमें भी भाई सीट कवर कहाँ से लगवाया। तो मैं आपको अब आज भाई बता ही देता हूँ फाइनली क्लियर, मैंने वैसे बता तो रखे बट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। भाई सीट कवर लगवाया मैंने मेहरम नगर से, ये है नई दिल्ली जनकपुरी द्वारका वाले इलाके में, जो IGI एयरपोर्ट है ना टर्मिनल 3 के पास पड़ता है, बिल्कुल सामने ही पड़ता है पास क्या, और वहाँ पे है भाई एक राजेश सीट कवर वाले भैया, बहुत फेमस है वहाँ पे, तो सामने आप जाओगे उनका नाम लोगे या किसी से पूछोगे तो वो बता देंगे। और सीट कवर तो आपको पता ही है भाई कैसे है, मेरी यूनिक है बिल्कुल, है ना, बढ़िया लगे ना। नेक्स्ट है भाई संतोष जिगजिनी का, इन्होंने एक और क्वेश्चन करा है, इन्होंने बोला है भाई दूसरी वीडियो में ऑल दिस इज नॉट एन इशू इट्स नेचुरल फिनोमेनन दिस अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा इन्होंने कमेंट करा था भाई ये वाला जो मेरी हेडलाइट में मॉइस्चर आ गया था उसके ऊपर कि यार ये नॉर्मल फिनोमेना है, तुमने ये नहीं पढ़ा क्या, फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या तुमने, ये तो होता ही है भाई जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। भाई टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा लेकिन भाई जब चीज पूरी एयर टाइट रहती है ना सील पैक, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इन द सेंस इसे मॉइस्चर नहीं बनता, समझ रहे हो। आपने यार कौन सी गाड़ी में देखा है आप बताओ चलो कि भाई मॉइस्चर बन रहा है नई गाड़ी में, नहीं क्या, पुरानी में भी नहीं बनता भाई, जिसमें हल्का फुल्का कहीं से एयर जाने का होगा ना, तो जहां एयर होगी वहां मॉइस्चर तो होगा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है मतलब अंदर गर्म हो रहा है, तो ये वाली कोई फिजिक्स नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है, जिन भाइयों के रह गए हैं भाई सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी भाई आप इस वाली वीडियो के नीचे जाके भी कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन है, DM भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ये आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो जाने से पहले भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो देख के चले जाते हो, तो सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी कमेंट रह गया कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसी से पिक करेंगे। तो मिलते हैं कोई ऐसी नई वीडियो में, बाय।